मॉडर्न टॉपिक की बात करने वाले हैं। और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। ओजोन के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं और ओजोन की बात यहाँ पर करते हैं। तो चलिए ओजोन के सबसे पहले प्रिपरेशन को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कैसे ओजोन को बनाया जाता है। तो देखिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखिएगा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। याद रखिएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं थ्रू प्योर या ड्राई ऑक्सीजन पर, और जिससे बताइए ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और याद रखिए, 10-15% ऑक्सीजन इज़ कन्वर्टेड इनटू ओजोन। जो 10-15% ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। 10-15% ऑक्सीजन इज़ कन्वर्टेड इनटू ओजोन। और देखिए, यहाँ पर 3O2 पर हम लोगों ने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया और जरा बताइएगा 2O में कन्वर्ट हो गया। और डेल्टा एच देखिए यहाँ पर 142 किलो जूल पर मोल यहाँ पर निकल रहा है। इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और देखिए, जो अपरेटस यूज़ करते हैं ये है सीमेंस ओजोनाइजर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अपरेटस यूज़ करते हैं वो सीमेंस ओजोनाइजर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन में कहेंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। 10-15% ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। तो देखिए, 3O2 पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया तो ओजोन का फॉर्मेशन हो गया। डेल्टा एच बताइए 142 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब ये बताएगा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो अपरेटस यूज करते हैं वो सीमेंस ओजोनाइजर का यूज करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो चलिए ओजोन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कहेंगे, ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ओजोन एक तरह का ऑक्सीजन का क्या होता है? एलोट्राप होता है। इट इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए, ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। इट इज फॉर्म्ड एट अपर एटमॉस्फेयर बाय एक्शन ऑफ यूवी लाइट ऑन ऑक्सीजन। याद रखिएगा, अपर एटमॉस्फेयर में ये कैसे बन जाता है? देखिए, इट इज फॉर्म्ड एट अपर एटमॉस्फेयर बाय एक्शन ऑफ यूवी लाइट ऑन ऑक्सीजन। तो बताइएगा, ऑक्सीजन पर यूवी लाइट का एक्शन कराते हैं अपर एटमॉस्फेयर पर और ये बन जाता है यहाँ पर ओजोन का फॉर्मेशन। तो देखिए, प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, ओजोन है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। इट इज़ फॉर्म्ड एट अपर एटमॉस्फेयर बाय एक्शन ऑफ यूवी लाइट ऑन ऑक्सीजन। चलिए, दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इट इज़ डायामैग्नेटिक। याद रखिएगा, ये डायामैग्नेटिक होता है। और देखिए, ओजोन इज न्यूट्रल टू लिटमस, यानी लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, न्यूट्रल होगा लिटमस पेपर से। और देखिए, अगली बात करते हैं, आप कहेंगे, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सिंस इट्स डीकंपोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट। डेल्टा एच नेगेटिव एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ जाती है। दीज टू इफेक्ट रेनफोर्स ईच अदर रिजल्टिंग इन द लार्ज नेगेटिव गिव्स एनर्जी चेंज फॉर इट्स कंजर्वेशन इनटू ऑक्सीजन। इस तरह से देखिए, ओजोन को अगर हम लोग हीट कर दें या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट कर दें तो याद रखिएगा ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन से हम लोगों ने बनाया भी था इसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके हम लोगों ने ऑक्सीजन से इसको बनाया था। 10-15% ऑक्सीजन बताएगा ओजोन में कन्वर्ट हो गई थी। और ये बताएगा, ओजोन हीट करने पर बताएगा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए आसानी से बताएगा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, कहेंगे, ड्यू टू ईज विथ विच इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है, O3 बताइए, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन जा रहा है। इट एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसीलिए जरा बताइए, ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और आयोडाइड को बताएगा आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने PbS लिया, लेड सल्फाइड लिया और ओजोन से हम लोगों ने रिएक्ट कर दिया 4O3 से, बताइए क्या बन गया? PbSO4 बन गया, यानी लेड सल्फेट बन गया और साथ में ऑक्सीजन बन गया। तो इस तरह से देखिए, लेड सल्फाइड को अगर ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तो लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन बन जाता है। इसी तरह से आयोडाइड आयन को अगर हम लोग लेते हैं 2I- को H2O और ओजोन के साथ लेते हैं, यानी वाटर लिक्विड स्टेट में, और ओजोन गैस के फॉर्म में अगर लेते हैं तो यहाँ पर 2OH- एक्वस और साथ में आयोडीन बन जाता है सॉलिड के फॉर्म में और ऑक्सीजन निकलता है। तो याद रखिएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और साथ साथ आयोडाइड आयन को किसमें? आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, इस तरह से इसके नेसेंट ऑक्सीजन निकलने की वजह से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये आसानी से बताएगा ऑक्सीडाइज कर देता है लेड सल्फाइड को किसमें? लेड सल्फेट में, और आयोडाइड आयन को किसमें? आयोडीन में। व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड,
सॉल्यूशन बफर्ड विद अ बोरेट बफर जिसका पीएच 9.2 हो तो आयोडीन इज लिबरेटेड, आयोडीन लिबरेट होगा और देखिए विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट बताएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। और देखिए ये था, दिस इज द क्वांटिटी मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस, याद रखिएगा दिस इज द क्वांटिटी मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस, यही था दिस इज द क्वांटिटी मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस। तो हम लोग ओजोन को रिएक्ट कराते हैं एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से और उसके बाद सोल्यूशन को हम लोग बफर कराते हैं बोरेट बफर से जिसका पीएच 9.2 हो, आयोडीन बाहर निकलता है विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम थायोसल्फेट, याद रखिएगा विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। और यही है क्वांटिटी मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस। देखिए कैसे रिएक्शन होती है, KI को ओजोन से रिएक्ट कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, KOH बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और आयोडीन बाहर निकलेगा और साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो एक तरह का ये क्वांटिटिव मेथड है ओजोन गैस को निकालने का, जरा बताइएगा ओजोन गैस के एस्टिमेशन का, बताइए क्वांटिटिव मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और देखिए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन में देखिएगा ओजोन हैज एंगुलर स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, बोथ ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स आर इक्वल बॉन्ड लेंथ, याद रखिएगा इक्वल बॉन्ड लेंथ होगा इनका। तो देखिए ओजोन हैज एंगुलर स्ट्रक्चर और जो ओ डबल बॉन्ड ओ दोनों के बताइए इक्वल बॉन्ड लेंथ होंगे, ऐसा क्यों होगा, रेजोनेंस की वजह से। देखिए यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, कैसे डबल बॉन्ड यहाँ लगा था और फिर उसकी पोजीशन चेंज कर जाती है और इसका बॉन्ड लेंथ कितना आ रहा है 127.8 पिकोमीटर, याद रखिएगा इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ओ डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है और इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन को, ओजोन को हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया कैसे बताएगा पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। तो इसके यूजेस की बात करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज जर्मीसाइड डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, याद रखिए वाटर को स्टरलाइज करने में जर्मीसाइड की तरह और इन्फेक्शन को मिटाने के लिए यानी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा जर्मीसाइड की तरह यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह और स्टरलाइजिंग वाटर, याद रखिए वाटर को स्टरलाइज करने के लिए जैसे क्लोरीन का भी यूज़ करते हैं। देखिए दूसरी बात यहाँ पर जो दूसरा यूज इसका है, इट इज़ यूज्ड फॉर ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, याद रखिए एल्कीन और एल्काइन बताए ओजोनोलिसिस रिएक्शन शो करता है वेन एवर एल्कीन और एल्काइन रिएक्ट विद ओजोन और यही बताएगा फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो जिंक के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो याद रखिएगा एक तरह से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। और देखिए ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है और ओजोनोलिसिस रिएक्शन में भी ओजोन हेल्प करता है। देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एजेंट, याद रखिएगा ये ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, ये ब्लीच करने में भी काम आता है क्योंकि यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन भी निकलता है तो इसीलिए बताएं इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। देखिए तीन यूजेस यहाँ पर देखा, जर्मीसाइड है, डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजिंग वाटर की तरह वाटर को स्टरलाइज करने में, इट इज़ यूज्ड फॉर ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ओजोन से जब एल्कीन और एल्काइन को रिएक्ट करते हैं तो एल्कीन ओजोनाइड या एल्काइन ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, ब्लीच करता है क्योंकि यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन होगा जो कि कलर्ड मैटर को कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देगा। और देखिए इसके बाद कहेंगे इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के मैन्युफैक्चरिंग में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और आपको हमने बताया था O3 बताई O2 और O में जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है क्योंकि इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन होता है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं, काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या बताइए जो ओजोन लेयर लगातार डिप्लीटेड हो रही है उसके काज की बात हम लोग कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करेंगे, कहेंगे द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिए CFC कहलाता है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, याद रखिएगा दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। और बता दें आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से कहेंगे द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर में इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बताइए डिप्लीशन होता है और ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है और भी बताएगा AC में यूज होता है। तो देखिए कहेंगे द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिए CFC दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है सीएफसी आर लॉन्ग लिव्ड मॉलिक्यूल एंड डिफ्यूज इनटू स्टेटोस्फेयर वेयर दे आर डिकम्पोज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू प्रोड्यूस क्लोरीन। याद रखिएगा सीएफसी जो होता है बहुत लॉन्ग लिव्ड मॉलिक्यूल होता है और स्टेटोस्फेयर में डिफ्यूज हो जाता है, जहां पर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। द क्लोरीन एटम रिएक्ट विथ ओजोन। याद रखिएगा ये क्लोरीन एटम जो होता है ओजोन से रिएक्ट कर जाता है। This causes a decrease in the concentration of ozone at a faster rate than its formation from O2. क्योंकि देखिए ऑक्सीजन से आपने कहा था 10-15% तक ओजोन का फॉर्मेशन होता है जब आप बताइए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन से स्लो रेट से बताएगा ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डिकम्पोजिशन बताए क्लोरीन निकलती है, वो क्लोरीन रिएक्ट कर जाती है किससे, ओजोन से। This causes a decrease in the concentration of ozone at a faster rate than its formation from O2. यानी जितनी तेजी से ये ऑक्सीजन से बनता है उससे ज़्यादा तेजी से बताइए क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है, इसके कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है क्योंकि क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट कर जाती है और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो देखिए इस तरह से क्लोरीन एटम ओजोन से रिएक्ट कर जाता है जिससे कंसंट्रेशन बताएगा ओजोन का डिक्रीज हो जाता है और जिस रेट से ये ऑक्सीजन से बनता है उससे तेजी से बताइए यहाँ डिक्रीमेंट होता है और यही है कॉज बताइए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। और देखिए अनदर कॉज भी आपका और भी कॉज है तो कहेंगे अनदर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज रिलीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इंटू स्टेटोस्फेयर। याद रखिएगा रिलीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इंटू स्टेटोस्फेयर बाय द सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन। सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन बताइए रिलीज करती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जिससे बताएगा ओजोन का डिप्लीशन भी होता है और नो मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट विद ओजोन टू गिव ऑक्सीजन एंड NO2। याद रखिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता है जो ओजोन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन और NO2 दें। और यहाँ पर देखिए NO ओजोन से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है NO2 और O2 का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ओजोन से रिएक्ट करके क्या बना देता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है।